वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आयस अहमद और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है व्हाट, वायर, हाउ एंड व्हेन, यानी कि फुली टेक्स्ट बुक जो बेस्ड है आवर पास्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, इस बुक का नाम। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे। हम पहले देखो, अगर हम बुक की बात करें तो यहाँ पे है आवर पास्ट। तो आवर पास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पास्ट, आवर पास्ट का मतलब है कि डिफरेंट लोगों के लिए तो डिफरेंट पास्ट हैं। जैसे कि किंग्स के लिए मतलब वो कैसे रहते थे, मर्चेंट्स कैसे रहते थे, यानी ट्रेडर्स, फिशर्स कैसे रहते थे। तो यानी कि डिफरेंट पीपल्स के लिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए डिफरेंट पास्ट हैं। मतलब किन लोगों के पास एक महल जैसा मकान था और किन लोगों के पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो दैट मीन्स कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए डिफरेंट है, यानी लिविंग, द वे ऑफ लिविंग। जैसे हम अभी भी बात करेंगे अंडमान आइलैंड की, वहां पर जो लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनका मैन जो है, कैसे वो अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, उनका मैन यही है कि वो फिशिंग, हंटिंग वगैरह से अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। और अगर हम करेंगे बात सिटीज की, जो लोग सिटीज में रहते हैं या प्लान एरियाज में रहते हैं, तो उनकी वे ऑफ लाइफ जो है वो डिफरेंट है। देयर इज के आवर पास्ट लिखा हुआ है। तो अब ये व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास सिक्स टेक्स्ट की, हिस्ट्री बुक की। तो व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे पहला जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर हम बात करेंगे, ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इसका पार्ट बी लेक्चर आएगा जिसमें हम कंप्लीट चैप्टर वन करेंगे। राशिदास क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक राशिदा जो है, एक लड़की होती है, एक उसके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है? चूंकि वो एक न्यूज पेपर पढ़ती है तो वहां पर उसको एक लाइन दिख रही होती है कि 100 years ago, उसके मन में एक सवाल आता है कि बंदा तो कल का, अगर मुझे कल का मतलब कुछ पता नहीं हो, याद नहीं हो, तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद ही नहीं हमारे जो कल हमने क्या सब्जी पकाई थी, मम्मी से पूछ सकते हैं। या ऐसी कुछ चीज है जैसे कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, मुझे मतलब पिछले ईयर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे कब मनाई थी, कहाँ पे मनाई थी, तो वो मैं किसी से पूछ सकता हूँ। तो लेकिन एक ईयर तक तो महदूद है, 5 years तक तो ठीक है, 10 years तक तो ठीक है, 10 years तक तो ठीक है, लेकिन 100 years ago, 1000 years ago, तो ये पूरे कैसे, हम अभी हम देखेंगे आगे भी लेक्चर सेकंड में, तो क्या वे हैं, कैसे हम पुरानी चीजें जो हमारे पास हैं उनको सिटी करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है उसके पास, तो वैसे कैसे रहते हैं ये लोग और कैसे, किस चीज से हम पढ़ते हैं, तो यही चीज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। और व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, और हम अब मसला ये है, अब हमें क्या जानना है पास्ट के मुताबिक। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब कि नो अबाउट द पास्ट, अब पढ़ना क्या है पास्ट के मुताबिक, मसला तो ये भी है। देखो पास्ट के मुताबिक हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या जानना है, हमें जानना है सिंपली रोटी, कपड़ा और मकान। एक मूवी भी आती है 1974 में आई थी, अभी भी यूट्यूब पे होगी प्रेजेंट, आप ये देखना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये चीजें हमें क्या करना है, सिद्धि कर, मतलब कि लोग जो प्री, मतलब जो हमारे पास परवज्य थे, यानी कि जो हमारे पास इंस्टिटर्स थे, तो वो कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, वो कैसे रहते थे, यही चीज है। व्हाट पीपल एट, वो क्या खाते थे, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, क्या वो पहनते थे, एंड हाउसेस, और वो कहाँ पर रहते थे, किस जगह पर रहते थे, कौन से हाउसेस उनके पास। आगे अब आगे आगे जब मैं हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी हम देखेंगे कि लोग कैसे मकानों में, किस तरह के मकानों में रहते थे। और hunters, lives of hunters, hunters की लाइफ के मुताबिक पढ़ेंगे, herders, farmers, rulers, उनकी जिंदगी के अलग अलग हम पढ़ेंगे, अलग अलग पन्ना, यानी कि एक रूलर के लिए क्या कौन सी लाइफ थी, और एक मर्चेंट, एक फार्मर के लिए और एक हंटर के लिए
कैसी जिंदगी गुजारते थे और क्या डिफरेंस थी उनकी जिंदगी गुजारने में। यहां तक के लिए देखो, वायर डिड पीपल लिव, मसला ये कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे ये लोग, ये लोग जो प्रीशे, जो हमारे पास प्रीवियस लोग हैं, परवर्जे हैं, एंसेस्टर्स हैं, तो रहते थे ये कहाँ पर, अभी हम देखेंगे। अब देखते हैं पहले, तो जो हमारी टेक्स्ट 60 की टेक्स्ट बुक की मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमें 5 लोकेशंस दी गई है, यानी 5 जगहों के मुताबिक हमें बताया गया है यहाँ पे, यहाँ पे लोग रहते थे, और अभी हम देखेंगे वो क्या करते थे यहाँ पे। तो 5 जगहों के मुताबिक हमें बताया गया है, पहले है नर्मदा रिवर। अगर आपको ये चीजें लोकेशन से समझ नहीं आती, तो मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ाया है, वहां पे मैंने पूरी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी पूरी कहानी मैंने रिवर्स के मुताबिक बताई है, रिवर्स ऑफ इंडिया वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो वहां पे मैंने गंगा, गंगा है हमारे पास, ब्रह्मपुत्र है हमारे पास, या इंदस रिवर है हमारे पास, तो नर्मदा, तपी रिवर, ये जो हमारे पास है महानंदी रिवर, ठीक है ना। तो ये सारी रिवर्स मैं वहां पे अच्छे से ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर की बात की गई है, इसके अलावा सुलेमान एंड कथार हिल्स, कथार और सुलेमान हिल्स की बात की गई है हमारे 6th की टेक्स्ट बुक में, और गैरो हिल्स, विंध्यास, गारो हिल्स, विंध्यास की बात की गई है यहाँ पर, और इंडस रिवर विथ ट्राइब्यूटरीज, यहाँ यहाँ पे ये जगह है जहां जहां पर लोग रहते थे, ये जो हमारे पास लोकेशन है क्लास 6 की बुक में, और गंगा रिवर ट्राइब्यूटरीज, यानी हमारे पास 5 लोकेशन दी है क्लास 6 की बुक टेक्स्ट ने। एक हमारे पास नर्मदा रिवर दिया हुआ है, सुलेमान एंड कथार हिल्स दिया हुआ है, और गारो हिल्स एंड विद्यास दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास चौथा है इंडस रिवर ट्राइब्यूटरीज, इसके पास है गंगा रिवर ट्रिब्यूटरीज, ठीक। आइए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, अब क्या किसके बारे में, नर्मदा के बारे में क्या दिया हुआ है, सुलेमान कतार रेंज हिल्स के बारे में क्या दिया हुआ है, गौरव हिल्स के बारे में क्या दिया हुआ है, और इंदस रिवर के बारे में, गंगा रिवर। अब हम बात करेंगे पहले नर्मदा, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है ना, नर्मदा रिवर जो है, यहाँ पे जो लोग रहते थे, यहाँ पे जो लोग रहते थे वो क्या थे, सिकलर गैदर्स, वो क्या थे, सिकलर गैदर्स, यानी माहिरीन थे, वो गैदरिंग में रहते थे, और वो इन सर्च ऑफ फूड ही रहते थे, मोस्टली फूड गैदरिंग, और ये फूड को कलेक्ट करते थे, गैदर का काम करते थे, अपने गुजा को ढूंढते थे, तो यही इनका काम था। तो ये था नर्मदा में जो लोग रहते थे वो फूड गैदरर्स थे, वो स्किल्ड गैदरर्स थे, और वेल अवेयर अबाउट प्लांट्स एंड फॉर, वो ये जानते थे अच्छी तरीके से कि प्लांट्स और एनिमल्स को कौन कौन से चीज यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, कौन सा बेनिफिट है, किसमें कितना बेनिफिट है, वो सारा जो है उनको पता थी, उनको फ्रूट्स के मुताबिक का, उनके मतलब कौन कौन से जो है, जो हमें दरखातों से जो हम हासिल कर सकते हैं, और कौन कौन से मेडिसिन, वो पूरे सिकलड ये थे जो कहाँ पे रहते थे, नर्मदा रिवर पे, उसके बैंक्स पे, उसके ट्रिब्यूटरीज में, ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहते थे, और ये थे हंटेड एनिमल्स, और ये एनिमल्स को भी क्या करते थे, हंट करते थे, यानी हंटिंग एनिमल्स भी थे ये, और सिकलर गैदरर्स भी थे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें है नर्मदा रिवर्स पे जो लोग रहते थे। इसके बारे में सुलेमान एंड कथार हिल्स, आप देखते हैं सुलेमान और कथार हिल्स पे जो लोग रहते थे उनकी खासियत क्या थी, उनकी खासियत देखो, उनकी पहली खासियत ये कहां पे है, देखो सुलेमान एंड कथार, अगर हम बात करेंगे इंडिया की, सपोज अगर हम ये देखेंगे थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास इंडिया है, सपोज इंडिया को अगर हम यहां से देखेंगे तो यह हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ हिमालयन माउंटेन्स है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल तो यहाँ पे जो है ये अरेबियन सी है, यानी कि ये साइड जो है ये सी से भरा हुआ है, ये साइड से जो है वो सी से भरा हुआ है। अब लोग यहां से तो इंडिया नहीं आ सकते, यहां से तो इंडिया नहीं आ सकते, आ सकते मतलब मोस्टली कम आएंगे, क्योंकि उनको सी करना है, क्या करना है, सी को क्रॉस करना है। अब यहां पे भी हिमालय माउंटेन्स के माउंटेन्स को चढ़ के इंडिया पहुंचना था, तो ये दिस वाज आल्सो डिफिकल्ट, और जो नॉर्थ वेस्ट साइड से था दिस वाज ओनली द वे
मतलब जहां से आराम से एंट्री कर सकते थे, कहां पर? इंडिया में। तो बहुत सारी जो बैटल्स भी हुई हैं, अगर आगे 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 हम बात करेंगे उनकी, जो बैटल्स भी हुई हैं वो इसी जगह पर ज्यादा हुई है, क्योंकि यहीं से एनिमी इंडिया को ट्रैप करने की कोशिश करते थे, क्योंकि यही एक मौका था जहां पर दुश्मन को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़ती थी। तो ठीक, और ये कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट, यानी यहां पर सुलेमान रेंज, प्रेजेंट पाकिस्तान। तो सुलेमान एंड खथार हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में उसकी लोकेशन है, और यहां पर जो लोग रहते थे वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। और कौन से क्रॉप्स थे? मैन क्रॉप, हमारे पास व्हीट एंड बैली। व्हीट एंड बैली आर द मैन टू क्रॉप्स जो ये लोग क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे, जो कहां पर रहते थे? सुलेमान एंड खथार हिल्स पे। और ये कहां की बात है? ये है 8000 इयर्स अगो की बात, यहां पे ये बात चल रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी नोट्स बनाने, कॉपी पे लिखने, बस डायरेक्ट पॉइंट यहां से पहुंचे जाते हैं, इसके अलावा है ही नहीं कुछ। और रियरिंग, और ये जो लोग थे जो सुलेमान खथार हिल्स पे रहते थे, ये एनिमल्स को क्या करते थे? रियरिंग करते थे। अब थोड़ा सा लाइक शीप्स गोट्स, यानी कि इससे ये लोग जो थे थोड़ा सा एडवांस्ड थे, आप देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करोगे गैरो हिल्स की, जो नॉर्थ ईस्ट साइड पर लोकेट है, या हम बात करेंगे विंध्याज जो सेंट्रल इंडिया में क्या है, लोकेट है। तो गैरो हिल्स नॉर्थ इंडिया, विंध्याज सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ जो है, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप होने लगी थी, और राइस जो है विंध्याज पे फर्स्ट प्रोडक्शन हुई थी राइस की, वो विंध्याज में हुई थी। अब यहाँ पर राइस की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, यहाँ पर राइस की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। तो अब इसके बाद है इंडस रिवर। अब इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज पे जो लोग रहते थे, कब रहते थे, कब की मतलब ये बात चल रही है, 4700 ईयर्स अगो की बात चल रही है। और यहाँ पर सिटीज फुल रिच होने लगी। अब यहां तक तो विलेजेस, टावर्स, दैट इज, यहां से अब सिटीज होनी स्टार्ट होने लगी, और सिटीज बढ़ती बढ़ती फिर गंगा रिवर की बात करें 2500 ईयर्स अगो, तो यहाँ पर सिटी डेवलप हुई और किंगडम्स अब स्टार्ट होने लगे। तो यहाँ पर मगाधा किंगडम जो है, जो बिहार में प्रेजेंट है, यहाँ इनकी इनिशिएट हुई, यानी यहाँ पर मगाधा किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, और ये जो मगाधा किंगडम है ये पावरफुल भी था, और वास्ट उसने अपने कब्जे में एरिया लिया था, यानी कि किंगडम्स की शुरुआत होने लगी थी। अब पीपल जो है ये ट्रेवल करते थे वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट, मैंने आपको बताया था अभी, देखो टफ था एक जगह पे दूसरी जगह, आज की तरह तो थोड़ी है, मतलब जैसे हमारे पास एरोप्लेन मौजूद है, ठीक है ना, तो ऐसी बात नहीं थी, उनको सफर करना पड़ता था, कारवांस को सफर करना पड़ता था विथ हॉर्सेस, विथ एलिफेंट्स उनके जरिए, या विथ शिप्स, विथ बोट उनको क्या करने होते थे, सफर करने होते थे। अब जब ये वन पार्ट और अनदर पार्ट को, ये टफ भी था लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं था, लोग तो देखो इंसान तो कहां कहां नहीं पहुंचा, चांद अभी पहुंच गया है इंसान, तो यानी टफ था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। तो लोग चलते गए, लोगों ने अपना सफर जो है वो जारी रखा। तो व्हाई डिड दे मूव, मसला यह है अब ये लोग क्यों मूव करते थे, वजह क्या थी उनकी बात, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने, एक सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट में क्या फायदा था, क्यों जाना था, क्यों अरब ममालिक को इंडिया में आना था, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये इनको क्यों एशिया में आना था, व्हाट वाज द पर्पस, तो मैन क्या नीड थी। देखो अगर हम बात करेंगे डिफरेंट, यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट बुक की आधार की बात करेंगे, तो मैन एंड वुमेन्स क्यों करते थे, तो मैन क्यों करते थे, मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स क्यों करते थे, और रिलीजियस टीचर्स क्यों करते थे। मैन अगर हम बात करेंगे, मैन और वुमेन ये अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक जगह पर दूसरी जगह जाते थे, उसका कारण बहुत आ सकता है क्यों ये मूव करते थे। इसलिए मूव करते थे कि देखो हमारी जगह पर अगर एक ही जगह पर रहते, मतलब कोई एक ट्राइब एक जगह पर रहते, और फिर उनको वहां पर जो पूरे
जो पूरे ग्रास वास है वो पूरा कुछ खा जाते, और उसके बाद क्या हुआ साहब, फिर दूसरी जगह उनको जाना ही था। या मैंने आपको बताया था पेरिनियल, जैसे हमारे पास पेरिनियल रिवर्स होते हैं, तो इसके लिए भी लोगों को माइग्रेट करना पड़ता था एक जगह पर दूसरी जगह पर, यानी कि एक जगह पर दूसरी जगह से। जैसे हमारे पास हैं कुछ पेरिनियल रिवर्स होते हैं जो किसी टाइम पे, जैसे दो मतलब एक दो महीने नहीं सॉरी मतलब 5-6 महीने उनमें तो ये जो फ्लो ऑफ वाटर है चलता है। जैसे हमारे पास पेनिनसुला रिवर्स होते हैं उनमें तो साल भर नहीं रहता है पानी, दैट मीन्स वो जो है एरियाज हैं तो उनको तो मूव करना ही था, क्योंकि पानी जो है मैन है, प्रेशियस इंपॉर्टेंट है जिंदगी जीने के लिए। अब उनको मूव एक जगह पर दूसरी जगह पर भी, वो भी इंपॉर्टेंट था, वो भी जरूरी था। अब क्यों करते थे ये मूव? अब यहाँ की अगर हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक की, टेक्स्ट बुक मैंने वो में करते हैं एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, यानी कि नेचुरल डिजास्टर बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए और खुद की जिंदगी को गुजारने के लिए एक जगह पे मूव करते थे दूसरी जगह पर, यानी कुछ लाने के लिए जिंदगी की जरूरियातें जो जरूरियात थी वो फुलफिल करने के लिए जाते थे। और कुछ ऐसे भी थे जैसे मैन थे विथ आर्मीज के साथ जाते थे, जैसे पुराने आज तो हर एक कंट्री सिटीबिलिटी अपनी जो है अपनी कंट्री चला रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में आपने देखा है कितने बैटल्स हुए, यानी एक किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक करता था, उसको छीन लेता, अपने कब्जे में ले लेता था, फिर साम्राज्य बनाता था, बड़ा बड़ा किंगडम, बड़े बड़े किंगडम बनाते थे। और ये आर्मीज से जाते थे एक जगह पर दूसरी जगह पर टू कनकर लैंड, यानी दूसरे की लैंड को अपने कब्जे में करने के लिए ये मैन जाते थे, ठीक है ना, आर्मी सोल्जर्स एज ए सोल्जर जाते थे। इसके अलावा मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स क्यों जाते थे? वो कारवान उसमें जाते थे, वो शिप्स के जरिए जाते थे, ताकि वो अपना जो गुड्स हैं उनको वो एक जगह से दूसरी जगह वो भेजे, वो कुछ ठीक है ना, तो अपने गुड्स को बेचने के लिए ये जाते थे मर्चेंट्स। अब रिलीजियस टीचर्स, अभी हम पढ़ेंगे आगे जैनिज्म पढ़ेंगे बुद्धिज्म पढ़ेंगे, कहीं से कहां से आ गया जैनिज्म बुद्धिज्म, फिर आगे हम देखेंगे इस्लाम का ओरिजिन कहां से हो गया, तो एज पर टेक्स्ट बुक इस्लाम का ओरिजिन कहां से हो गया तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो देखो ये क्यों करते थे मूव, ये विलेज टू विलेज मूव करते थे, टाउन टू टाउन मूव करते थे, किस लिए? फॉर टीचिंग, उनको सिखाने के लिए, ये इख्तियार करो बुद्धिज्म इख्तियार करो या जैनिज्म इख्तियार करो या रिलीजियस पर्पज के लिए, और एडवाइस करते थे लोगों को, ठीक है ना। तो ये था वाई दे मूव। अब इसके मूवमेंट से क्या हो गया, अब मसला ये हुआ क्या इफेक्ट पड़ गया उनके मूवमेंट से, अब भी एक दूसरे एक जगह से एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट से लोग गए आपस में, तो इनसे क्या फायदा पड़ा, इनसे क्या फायदा आया? देखो फायदा है इनहेरिशमेंट ऑफ कल्चर। देखो अगर कोई यहाँ का, मैं अपनी बात करूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, अगर कश्मीर के बंदे किसी और जगह पर जाएंगे तो वो अपने कल्चर लेके जाएंगे, और वहां से किसी और जगह से कश्मीर बंदे आएंगे तो वो अपने कल्चर लेके, और इससे क्या होता है एनरिचमेंट ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर एक्सचेंज होता है जो, ठीक है ना। तो ऐसी हमारे पास न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन वहां पे क्या हुई थी, क्या अब डिजाइन, लोग तो एक ही स्टोन कार्विंग थी, डिजाइनिंग ऑफ स्टोन करते थे, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब एक जगह से दूसरी जगह पर स्टार्ट हो गया, तो इसकी वजह से कार्विंग और कंपोजिंग म्यूजियम भी हो गया। इसके अलावा डिफरेंट वेराइटी, यानी कि अब देखो यहाँ पर एक सब्जी उगती है, यहाँ पर एक जगह पर एक सब्जी उगती है, और इसकी यहाँ पर दूसरी सब्जी उगती है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से भी इंटरचेंज हो गया, यानी कि फूड जो है डिफरेंट फूड वेराइटी अब ये कुक कर सकते थे। तो ये था आज का लेक्चर, आज हमने देखा, पहले हमने देखा व्हाट कैन वी नो अबाउट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के मुतालिक हम क्या जान सकते हैं, क्या हमें जानना है फॉरेस्ट के मुतालिक, और इसके बाद व्हाई डिड पीपल लिव, अब रहते कहाँ थे ये लोग। फाइव मेन चीज हमने देखे हैं, हाँ हमने देखा है नर्मदा रिवर सुलेमान, और हमने देखा है गार्गो हिल्स एंड विंदास, फोर्थ हमने इंडस रिवर, और फिफ्थ हमने गंगा रिवर ट्राइब्यूटरीज देखे हैं कहाँ कहाँ पे लोग रहते थे और क्यों ये मूव करते थे, वजह क्या थी उनकी। और इसके बाद हमने देखा पीपल मूवमेंट की वजह से, जब उन्होंने मूवमेंट एक जगह पर दूसरी जगह पर की है तो इससे क्या फायदा हुआ। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इंडस, यानी कि इंडस मतलब हिंद जो हमारा इंडिया है
उसका नाम भारत क्यों है या इंडिया क्यों है ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे मैनुस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हाँ एस्ट्रो हम आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक पढ़ेंगे, हिस्ट्रियंस के मुताबिक पढ़ेंगे, इंस्क्रिप्शंस के मुताबिक पढ़ेंगे। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म।